पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला। मरियम ने कहा कि पीएम इमरान के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और उनकी नकली सरकार जल्दी खत्म होने वाली है। मरियम ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, दल बदलुओं को वापस घर भेज देना चाहिए, नकली सरकार के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इन्हें आखिरी धक्का 15 नवंबर को दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव से पहले भी वोटों की हेराफेरी की जा रही थी, लोगों को अपने मतों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें चोरी होने से बचाना चाहिए। मरियम ने कहा, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हिमालय पर्वत की तरह मजबूत हैं। यहाँ लोगों ने अच्छे और बुरे दोनों ही समय पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने दावा किया कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो पीएमएलएन सरकार के कार्यकाल में हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ गुजरने वाली सड़क भी उनकी ही पार्टी के शासनकाल में बनी है। अब मरियम नवाज के इस बयान पर इमरान खान आखिर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।